जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। किसान साथियों, आपका एक चहिता यूट्यूब चैनल रियल मीडिया मार्केट इस समय आ पहुंचा है उस क्षेत्र में जहां का आलू सबसे पहले मंडियों में मुहूर्त कराता है। इस क्षेत्र में आलू की अभी क्या पोजीशन है, आलू की बुवाई कम हुई या ज्यादा, रियल पोजीशन क्या है ग्राउंड की, ये दिखाने के लिए हम इस समय उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के बिशुनगढ़ एरिया का है ये कुशलपुर गांव में है, जो कि इस आसपास एरिया में आपको शायद बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आलू के खेत हैं। और इसी एरिया का आलू जो है सबसे पहले नबीगंज मंडी में पहुंचता है और नबीगंज मंडी का मुहूर्त कराता है। चोर बाजार है नबीगंज मंडी। कोई नहीं दादा, अपनी कह रहे हैं, आप लोग समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मुझको जानना ये था कि अभी जो है यहाँ पर आलू की फसल इस बार यहाँ के लोग कब तक पहुंचा देंगे मंडी में। आपको पता है मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है पूर्वांचल का जो कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाता है जमीनी हकीकत के साथ। दादा क्या नाम आपका? हमारा नाम राम नरेश। गांव? कुशलपुर। थाना? बिशुनगढ़। आपका नाम? मैनपुरी से। मैनपुरी? तो बहुत अच्छी बात है, एक जगह पे दो दो जगह की जानकारी मिल जाएगी। क्या नाम आपका? रामवीर। रामवीर, मैनपुरी किस जगह से? भारतपुर। अच्छा, यहाँ बॉर्डर पे ही हो, मतलब एक्चुअली जिस जगह पे हम बैठे हैं वो मैनपुरी और कन्नौज बॉर्डर है, तो हम समझे भाई यार मैनपुरी से होंगे लेकिन बॉर्डर पर है। कोई नहीं, तो मेरे को दादा ये जानना था, दादा आपका नाम बताओ? राम बहादुर। कौन सा गाँव है? कुशलपुर। ये बताओ यहाँ पर आलू फालू भी कैसे लगाए गए, कितने कितने दिन के हो गए लोगों को? ये 15 दिन, एक महीना कोई है। महीना की हो गई? एक महीना। ज्यादातर जैसे आलू है वो कब कितने दिन के? गुड्डन बोलो आप बता दादा। आलू लगभग 2 तारीख और 1-2 है स्टार्टिंग भाई। 1-2 तारीख। हाँ अच्छा, इस साल की अपेक्षा अगली साल मतलब पिछली साल निकल गई है, आप लोग पहले कब से स्टार्ट कर देते थे? पहले स्टार्ट करते थे लगभग 20 तारीख तक। 15-20। इस बार थोड़ा लेट हो गया मामा। लेट हुई हो, बारिश हुई इस वजह से लेट हुई हो। कितना दिन लेट समझते हो? 15-20 दिन लेट है। 15-20 दिन लेट आप लोग समझ रहे हैं, मतलब आलू की फसल है। अच्छा, आपकी नजर में आपके गांव या आपके एरिया में या आपने अपनी आंखों से कहीं किसी का आलू ऐसा देखा है जो 40 दिन का हो, 50 दिन का हो, या किसी का मतलब 35 दिन से ऊपर का है किसी का? नहीं अब ऐसा नहीं, लेकिन बात पर मैं एक महीना को एक खेत हुए। लगभग एक महीना को ही हो। एक महीना का हो गया तो क्या अभी भी एक महीना और लेगा? एक ही महीना और लेगा। आराम से दिसंबर होगा। दिसंबर का होगा ना? हाँ दिसंबर का। अच्छा तो क्या लग रहा है दादा, अभी आलू इस बार कब आ पाएगा, नया आलू कब तक आएगा? जो नो आलू लगभग बंद कर ले। अभी नहीं दादा, ये बताओ नया आलू लगभग कब तक आएगा? लगभग एक महीना ले लिए। एक महीना आराम से? हाँ आराम से ले लिए। पहले तो आ जाता था भाई दीपावली के आसपास आलू आना लगता। हाँ लेकिन अब नहीं। धनतेरस तो पिछली साल को दे धनतेरस तो। अब लेट धनतेरस की बात छोड़ो, दीपावली में नहीं ना, मतलब आलू लेट है। अच्छा आपके हिसाब से आलू जो है आपने 15-20 दिन लेट बताया है, तो 15-20 दिन लेट है तो दिसंबर में ही आ पाएगा। अभी आप लोगों का आलू कोल्ड स्टोरों में रखा है या नहीं? हाँ रखा, छुट्टा लेने जाता है आलू और रखो है भाई। आलू बीजा वाला या राशन वाला?
बीजा वाला खेत वाला। हाँ इस बार बुवाई कम हुई है ज्यादा? खूब है बुवाई, खूब है। जितनी होती थी उतनी हुई है या उससे कम? ज्यादा है भाई, कम नहीं भाई। आलू सब धरती जो आलू ही गड़ो गेहूँ गेहूँ समय आलू है। जैसे कि एक बार आलू के बाद आलू हुआ करते हैं यहाँ पर या गेहूँ हुआ करते हैं? एक ही फसल लेते आलू? आलू के ले अच्छा मूंगफली। तो क्या मिल रहा था, क्या लग रहा है आलू इतना लेट आ रहा है? जिनका आलू जल्दी तैयार हो जाएगा उनको कैसा भाव मिलने का आसार है? अब जा तो भगवान जान है, जा तो भाइयों का बता दे। हाँ। तो अभी इस क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया और इस क्षेत्र में मैंने घूमा और इसके अलावा और भी क्षेत्रों से आया हूँ, तो मैंने देखा किसी की खेतों में धान है, किसी की खेतों में बुवाई चल रही है, किसी की खेतों में जुताई चल रही है, किसी की खेत में आलू 15 दिन का है, किसी की खेत में 20 दिन का है और किसी की खेत में 30 दिन का है। इसके अलावा किसी के खेत में जल्दबाजी में कोई आलू की बुवाई नहीं हुई है, ज्यादातर आलू 30 दिन के देखे गए हैं और 30 दिन का मतलब अभी 30 दिन तो पक्के चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ऊपर 4-5 दिन जो चले जाते हैं वो अलग बात है। आलू आने में पूरा का पूरा आप लास्ट नवंबर में शुरुआत होगा, लास्ट नवंबर में मुहूर्तें होंगी और शुरुआत दिसंबर में आलू धीरे धीरे करके रनिंग पकड़ेगा। ऐसे में हमें लगता है कि पंजाब बाजी मार जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जितना भी आलू होता है, हिमाचल प्रदेश के लोग जितना भी आलू तैयार कर लेते हैं वो लोग अच्छा खासा बाजी मारने का उनका आसार दिखाई दे रहा है साफ साफ। अभी फिलहाल में आप लोगों को तो पता है कि इस समय कोल्ड स्टोरों से आलू की निकासी बहुत धुआंधार चल रही है, आलू के बीजा की निकासी बहुत धुआंधार है। ऐसे में कोल्ड स्टोरों के बरामदों में जगह कम पड़ने के चक्कर में राशन आलू की कटाई कम हो पा रही है और राशन आलू का भी भाव सही मिल रहा है। भाव की साथ ही बात करें तो भाव इस समय राशन आलू के हाइब्रिड आलू चलता है आपका 750 से लेकर के और 770-80-90 ऊपर में बढ़िया सुपर VIP 800 रुपए प्रति पैकेट तक बिकता है हाइब्रिड आलू। साथ ही अगर बात करें आपके लाल गोल वाले आलू की तो लाल गोल वाले जो आलू हैं आपके 800 से लेकर के 850 पक्का भाव है, अगर 850 के ऊपर जो भी बिकते हैं वो किसी का किस्मत की और अच्छे आलू की बात है, मतलब ऊपर में जाता तो 900 रुपए तक है। न्यू हॉलैंड आलू 900 से स्टार्ट होता है और 1000 रुपए पक्का भाव है, ऊपर में जाता तो 1100 रुपए तक है, नीचे में फिर 800 भी बिकता है। पक्के बाजार 950 से लेकर के 1050 रुपए प्रति पैकेट के है, वजन 53 किलो चाहिए होता है और कोल्ड भाड़ा व्यापारी भाई देते हैं। फिलहाल में दादा हमने जो आप लोगों को भाव बताया, अदर भाई लोगों को बताए हैं तो वो सही थे या गलत? सही बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने बताया है कि यहाँ पर लगभग आलू जो है 30 दिन के बाद के किसी के नहीं है, ये सही है गलत? सही है बिल्कुल बिल्कुल। आलू शुरुआत नवंबर में, वो लास्ट नवंबर में शुरुआत दिसंबर में ही आ पाएगा? हाँ बिल्कुल बात सही है, सही है। ऐसे में भाव जिसका आलू तैयार होगा उसको अच्छे मिल पाएंगे? अब जो हंगाव आया था मैं भाव बढ़िया मिली है। नहीं इस साल भाव कैसे मिले? अब देखो भाई क्या बताओ, इस साल कैसे मिले? अभी जो चल रहा है इस साल भाव कैसे मिले? अब देखो क्या भाव मिले कोल्ड? नहीं अभी मिले भाव, इस साल कैसे मिले? इस साल उम्मीद तो सही भाव का है, इस साल कैसे मिले? अभी चल रहा है अभी भाव कैसे मिल रहे? अभी तो सही मिल रहे भाई, पूरी साल सही मिले ना, ऐसे मिले कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल में मैंने अभी इस एरिया का जो है ग्राउंड रिपोर्ट किया है, इस एरिया में मैंने घूम के देखा है, जो कि आप लोगों को भी शायद हमने बहुत सारा समझाने का कोशिश किया है कि जिनके पास आलू रखा हुआ है उनको बिल्कुल नहीं घबराना है, कोल्ड स्टोरेज पूरा नवंबर तक चलेंगे, धीरे धीरे करके अपने आलू की बिक्री करें और आपका पड़ता जिस भाव में आए उस भाव में बिक्री करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। तो चलिए अब हम और भी आगे क्षेत्र में बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या देखने को